Assalamu alaikum everyone and welcome to Let's Learn English Online. Today we are going to discuss future indefinite tense. आज के इस वीडियो में हम फेल मुस्तकबिल मुतलिक को आसान लफ्जों में समझने जा रहे हैं. So let's get started. Before moving on, don't forget to hit the subscribe button below and must press the bell icon for more informative videos. Question comes in our mind that what is future indefinite tense? So future indefinite tense is used to express an action that has not taken place yet and will take place in the future. Future indefinite tense को उर्दू में फेल मुस्तकबिल मुतलक कहते हैं. ये टेंस उस फेल की अक्कासी करता है जो हाल में ना हुआ हो और मुस्तकबिल में होना हो. Observe the following examples here for better understanding. Ben will play soccer after 1 hour. यानी Ben एक घंटे बाद सॉकर खेलेगा. Further auxiliary verb will and shall are used when these sentences are established. यानी फेल मुस्तकबिल मुतलिक में जुमले बनाते वक्त auxiliary verbs जैसे shall और will का इस्तेमाल किया जाता है. Let's move forward. Let's discuss the structure of future indefinite tense. We will discuss the structure for making affirmative or positive sentences. जब भी फेल मुस्तकबिल मुतलिक के सादा जुमले बनाने हो तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब विल लगाएंगे, इसके बाद फेल की पहली फॉर्म और फिर आखिर में मफूल यानी ऑब्जेक्ट लगाएंगे. ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हियर. आई विल बाय अ फोन, यानी मैं एक फोन खरीदूंगी या खरीदूंगा. एक इस एग्जाम्पल को अगर हम गौर से देखें तो पता चलता है कि हमने फेल मुस्तकबिल मुतलिक का सादा जुमला बनाने का तरीका फॉलो किया है, जिसमें पहले हमने आई को सब्जेक्ट के तौर पे लिखा है, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखा है जो कि विल है, फिर उसके बाद हमने मेन वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को लिखा है, आखिर में ऑब्जेक्ट लगा दिया है और वो है फोन. तो ये तरीका है जो हम फेल मुस्तकबिल मुतलिक का सादा जुमला बनाते वक्त हमेशा फॉलो करेंगे. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Let's discuss the negative construction of future indefinite tense. जब भी फेल मुस्तकबिल मुतलिक के मनफी जुमले बनाएंगे तो ये तरीका मद्देनजर रखेंगे. इस किस्म के जुमलों में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं, इसके बाद नॉट को लिखते हैं और फिर फेल की पहली फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद एंड पे ऑब्जेक्ट यानी मफूल लगा देते हैं. Let's observe the following example here for better understanding. I will not buy a phone. यानी मैं फोन नहीं खरीदूंगा या खरीदूंगी. इस जुमले में भी हमने ऊपर दिया गया तरीका ही फॉलो किया है और जब भी फेल मुस्तकबिल मुतलिक के मनफी जुमले बनाएंगे तो यही तरीका हमेशा फॉलो करेंगे. Let's move forward. Let's discuss the construction of interrogative sentences in future indefinite tense. जब भी फेल मुस्तकबिल मुतलिक को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले में तश्कील देंगे तो ये तरीका मद्देनजर रखेंगे. जैसे सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब विल को स्टार्ट में ले आएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफूल लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स हियर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. विल आई बाय अ फोन, यानी क्या मैं फोन खरीदूंगा या खरीदूंगी. इस जुमले को भी हमने ऊपर दिए गए उसूलों के मुताबिक ही डिस्कस किया है और कंस्ट्रक्ट किया है और हमेशा फेल मुस्तकबिल मुतलिक के सवालिया जुमले बनाते वक्त यही तरीका मद्देनजर रखेंगे. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now we will discuss the rules of making future indefinite tense. Always use first form of the verb and shall with I and will. Yani I aur will ke sath hamesha shall aur verb ki pehli form istemal karte hain. Our second rule is always use first form of the verb with he, she, it, they, you and all other subjects. Yani hamesha he, she, it, they, you aur deegar failon ke sath verb ki pehli form istemal karenge. Our third rule is when assumed or necessary thing is discussed, then use will with
आई एंड वी एंड यूज शल विद अदर सब्जेक्ट्स, यानी जब भी कोई ख्याली या जरूरी चीज डिस्कस करनी हो तो हम आई और वी के साथ विल इस्तेमाल करते हैं और दीगर फाइलों के साथ शल का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट रूल इज इन नेगेटिव सेंटेंसेस यूज नॉट आफ्टर विल एंड शल, यानी मनफी जुमलों में विल और शल के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और फिफ्थ रूल इज इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यूज विल एंड शल बिफोर सब्जेक्ट, यानी जब भी सवाल या जुमले बनाएंगे तो फाइल से पहले विल और शल को लगाते हैं। सिक्स्थ रूल इज इन डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यूज क्वेश्चन वर्ड बिफोर विल एंड शल, यानी जब भी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो, जैसे पहले व्हाट आता हो और फिर विल आता हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट को पहले ले आते हैं, फिर इसके बाद विल लगाते हैं और शल को लिख सकते हैं। ये असूल अच्छे तरीके से जबानी याद कर लें, क्योंकि इससे टेंसेस में गलतियों का अंदेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। So this is it for today. See you in the next video. Just stay tuned with Let's Learn English Online for more informative videos.